यादव और आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में। लोकसभा चुनाव 2019 का विगुल बज चुका है और पहले चरण के चुनाव भी हो चुके हैं। अब जल्दी दूसरे चरण की तैयारी की जा रही है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये है कि साल 2014 के मुकाबले 2019 में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें बेहद ही कम लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, मताधिकार का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं लोग और इस बार भारी गिरावट देखने को मिली है यूपी जैसे तमाम जगहों पर, और साथ ही देखने को मिला है कि कितनी ज़्यादा गिरावट कई शहरों में मिली है। जी हाँ, मेरठ या फिर कई बड़े बड़े शहरों को छोड़कर बाकी तमाम शहरों में लगातार ही गिरावट है मतदाताओं की और साथ ही लोग कम मतदान करने जा रहे हैं। तो आइए अपने इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कहाँ कहाँ पर बेहद कम मतदान किए जा रहे हैं। देश का सिरमौर चुनने के लिए राजनीतिक किलेबंदी चरम पर है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 का विगुल बज चुका है और विगुल बजने के साथ ही ये जो अब सत्ता की लड़ाई हो रही है, ये जो सीटों की लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। बताते चले आपको कि पहले दौर की वोटिंग पूरी हो चुकी है और दूसरे दौर के लिए तैयारी चल रही है। पहले दौर में 18 राज्यों और 2 केंद्र सहित प्रदेश में वोट डाले गए और यूपी समेत ज्यादातर राज्यों में बेहद कम वोटिंग हुई है, जिससे एक बड़ा झटका राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर लगेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए गुरुवार को हुए इस मतदान में केवल 63.69% वोटिंग हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2014 के मुकाबले गौतम बुद्ध नगर और साथ ही साथ मेरठ शहर को छोड़कर हर जगह कम लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। बताते चले आपको, पहले दौर में 3 केंद्रीय मंत्रियों गाजियाबाद के बीके सिंह, बागपत से सत्यपाल सिंह और गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा मैदान में थे। गाजियाबाद में 55.78% वोटिंग हुई, जो कि पिछली बार की तुलना में 1.16% कम है। और तो और, नोएडा में 60.47% मतदान हुआ, जहां पिछली बार की तुलना में 0.08% की मामूली बढ़त देखने को मिली है। वहीं बागपत, बिजनौर, कैराना और सहारनपुर में कम लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव आयोग के मुताबिक सहारनपुर में 70.82%, मुजफ्फरनगर में 68.22%, बिजनौर में 64%, कैराना में 67.46% और बागपत में 64.22% और मेरठ में 64.18% मतदान। संवेदनशील कैराना में वोटिंग में तेज गिरावट दर्ज की गई। वहां 2014 में 73.10% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार सिर्फ 67.46% वोट पड़े। इसी तरह सहारनपुर में 3% की गिरावट दर्ज की गई। कुछ ऐसा ही हाल बागपत में, जहां 2.53% की गिरावट, मुजफ्फरनगर 1.52% की गिरावट और बिजनौर 3.88% की गिरावट। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे, इससे पहले साल 2014 के चुनाव में मोदी सरकार बनने में यूपी की बेहद ज्यादा अहम भूमिका थी। 80 में से यूपी की 71 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। नए राज्य तेलंगाना में भी कम वोट पड़े हैं। अब बता दें कि नया राज्य बनने के बाद पहली बार लोकसभा के चुनाव में भारी गिरावट देखी गई। वोटिंग के मामले में राज्य की 17 में से एक भी सीट ने 2014 का आंकड़ा पार नहीं किया। जिस तरीके से चुनाव में मोदी सरकार के लिए 2014 में यूपी में बेहद अहम भूमिका निभी थी, इस बार ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है और लगभग हार भी उनकी वहां से हो सकती है और कांग्रेस को इसका खासा फायदा मिल सकता है। हालांकि तेलंगाना में करीब 63% मतदान हुआ। मिसाल के तौर पर निजामाबाद सीट पर 68.4
3-3% वोट पड़े हैं। और तो और साल 2014 में यहाँ पर 69.11% वोट पड़े थे। ये सीट तब सुर्खियों में आई थी जब यहाँ से 170 किसानों ने पर्चा भरा था। गौरव इस बात पर कि हैदराबाद में 8% से कम वोटिंग हुई, इस बार वहाँ 44.75% वोट पड़े। कुछ ऐसा ही हाल सिकंदराबाद और मलकाजगिरी संसदीय सीटों का भी रहा। महाराष्ट्र के 7 लोकसभा सीटों में पहले दौर में वोटिंग हुई जहां 61.81% वोट पड़े। 7 में से 4 लोकसभा सीट पर बेहद ज्यादा कम वोटिंग हुई। भंडारा गोंदिया में इस बार 68.27% मतदान हुआ, जो कि पिछली बार के मुकाबले 4.04% कम था। गौर की जाए इस बात पर कि इस तरह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के चुनाव क्षेत्र और आरएसएस के गढ़ नागपुर में 54.74% वोट पड़े, जो कि पिछले बार के मुकाबले 2.38% कम है। आंध्र में मामला थोड़ा अलग है, यहां 2014 के मुकाबले करीब 1% ज्यादा मतदान हुआ। 2014 में यहां 77.80% वोट पड़े थे, 79.64% वोटिंग हुई। कुछ जगह के मतदान के आंकड़े नहीं मिल पाए हैं क्योंकि वहां रिपोलिंग की मांग की गई। यहाँ इतनी कम वोटिंग जो देखी जा रही है सच में काफी बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर। साल 2014 के मुकाबले थोड़ी कम वोटिंग यहां पर भी हुई है। पिछली बार यहां 61.50% वोटिंग हुई थी और इस बार लगभग 60% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन सब आंकड़ों में बिहार की स्थिति अलग दिखाई दी है। गौरव इस बात पर कि 4% पर हुए चुनाव में गया में 56%, जुमई में 55.3%, औरंगाबाद में 53.6% वोट पड़े और नवादा में 52.5%। अगर बात की जाए 2014 की तो 2014 में गया में 53.92, जमुई में 50.01, नवादा में 52.18 और औरंगाबाद में 52.19% वोटिंग। और इस बार की तरह नॉर्थ ईस्ट की सीटों पर जमकर मतदान हुआ है। मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में करीब 80% वोटिंग हुई है। अरुणाचल ईस्ट और वेस्ट में 73.53% और 62.36% वोट पड़े, तो वहीं मेघालय और शिलोंग में पिछली बार की तुलना में ज्यादा लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। वहीं मिजोरम में 63% लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दिया है। बता दें आप सभी को कि लोकसभा चुनाव के पहले दौर के तहत कुल 51 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें करीब 14,20,00,000 वोटरों ने 1,279 उम्मीदवारों की किस्मत तय की। चुनाव आयोग के अपडेट के मुताबिक इसमें कुछ आंकड़ों में कुछ फेर बदल हो सकता है। अभी 6 दौर की वोटिंग बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चरणों में लोग घरों से बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग जमकर करेंगे।